हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर इफ द वेक्टर ए आई कैप ए जे कैप प्लस सी जे कैप एंड आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप लाए इन अ प्लेन देन सी इज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? देखो की कंसेप्ट यहाँ पे, देखो की कंसेप्ट क्या होने वाला है। अब हमें पता है अगर कोई एनी इफ थ्री वैक्टर ए बी एंड सी लाए इन अ प्लेन, अगर ये एक प्लेन में लाए करेंगे तो जो इनका बॉक्स है ए बी सी ये होगा 0 के इक्वल। अब बॉक्स ए बी सी को कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा जो बॉक्स ए बी सी है ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे देखो ए को मानते हैं हम, हमारा ए है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, बी है हमारा बी आई कैप, इसको ए वन बोल लेते हैं, एक मिनट, हाँ ये हो गया ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। अब सी वेक्टर क्या है हमारा? ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप। अब ये तीनों वेक्टर हमारे हो गए हिमान लेट कर हमने। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? ए वाला इसमें ऊपर में आ जाएगा ए बी सी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्स सॉल्व करने का तरीका। अब देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर है, इफ द वेक्टर ये एंड ये एक प्लेन में लाए करते हैं, तो यहाँ से जो हमारा ए वेक्टर है वो क्या है? ए आई कैप ए जे कैप सी के कैप, ए आई कैप ए जे कैप प्लस सी के कैप। और बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? सी यहाँ पे है आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप। अभी सी वेक्टर क्या है? सी आई कैप सी जे कैप सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप बी के कैप। अब ये दे दिया। अब हमें पता है अगर ये तीनों एक ए कॉमा बी कॉमा सी लाए इन अ प्लेन, तो इनका जो बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू 0 है। तो जो इनका जो बॉक्स सॉल्व करेंगे क्या होगा हमारा यहाँ पे? ए सी ए सी यहाँ से 101 और यहाँ पे क्या होगा? सी सी बी। अब हमको इसको 0 के इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा कॉलम 1 है इसको कॉलम हम यहाँ पे क्या करते हैं सी वन में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे सी वन माइनस सी टू। अब यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा सी वन और ये हो जाएगा सी टू। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा सी वन माइनस सी टू करेंगे तो ए माइनस ए 0, 1 माइनस 0 1, सी माइनस सी 0 ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिमिलर आ जाएगा ए 0 सी सी 1 बी इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो क्या आया हमारे पास, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी एक को मान लेते हैं, यहाँ से कॉलम 1 को मानते हैं 0 इंटू, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो ये तो 0 ही आने वाला है तो इसे इतना ही रखते हैं। सेकेंड में यहाँ से लेते हैं माइनस वन लिया इन क्रॉस ए बी माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस ऑफ सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थर्ड पे हमारा ये भी 0 आने वाला है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से जो हमारा ए बी माइनस ऑफ सी स्क्वायर है ये 0 के इक्वल आया, तो जो ए बी है वो आया सी स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमें पता है ये होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन, ये है जियोमेट्रिक मीन की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।